जिला बिजनौर चांदपुर की खबर। राष्ट्रीय लोक दल के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ चांदपुर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त कई गांवों का ट्रैक्टर पर सवार होकर दौरा किया, जिसमें अशोक चौधरी ने किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी और किसानों की हर समस्या को प्रशासन द्वारा समाधान कराने बात कही। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी ने चांदपुर क्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जाकर लोगों की परेशानी को नजदीकी से देखा और उनकी समस्याओं का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि क्षेत्र के किसानों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर जरूरत पड़ी तो जिला प्रशासन से भी मिला जाएगा। उन्होंने बताया है कि लगातार मूसलाधार बारिश से गंगा उफान पर होने से चांदपुर क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बन गई है और अनेक गांवों में जलभराव होने से खेतों में खड़ी फसल में बाढ़ का पानी खड़ा होने से किसानों व ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बाढ़ से किसानों की हजारों बीघा फसल तबाह हो गई है। अशोक चौधरी ने कहा है, राष्ट्रीय लोक दल हमेशा किसानों की समस्याओं को लेकर मुखर रहा है। उन्होंने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वह प्रशासन से मिलकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग करेंगे, जिसमें उपस्थित पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी, पूर्व चेयरमैन नईम, प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अशफाक अली, जिला महासचिव शौकत अली अंसारी, ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र सिंह प्रधान, जिला उपाध्यक्ष मास्टर रमेश चंद्र शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष शीशपाल राठी, जिला महासचिव चौधरी गजेंद्र सिंह, जिला महासचिव डॉक्टर विपिन तोमर, युवा नेता चौधरी अंकुश काकरान, चौधरी देवेंद्र सिंह प्रधान, चौधरी प्रीतम सिंह, भीम सिंह गुर्जर प्रधान, धर्मेंद्र गुर्जर प्रधान, परम यादव समर्थक सहित सैकड़ों क्षेत्रवासी आदि मौजूद रहे। आज न्यूज चैनल ने जनपद बिजनौर चांदपुर से रिपोर्टर सलीम अहमद की खास रिपोर्ट।